हेलो स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम चार्टपीट मेथड पे क्या करेंगे, बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही है चार्टपीट मेथड से। ओके, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी आपको LNMU एग्ज़ाम बेस्ड, मतलब जो भी सिलेबस में था, वैसे चैप्टर को हमने क्या किया, सॉल्व किया। उसका जो भी क्वेश्चन था, उन सभी को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को काकी सॉल्व कर चुके अपन। उसके बाद मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सभी का मैंने पहले ही आपको सॉल्व कर चुके हैं। तो आप उसे भी देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो, वैसे आप देखे होंगे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आगे जो है, आपको ये पेपर फोर में आता है, आपको ये क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको स्पेशल फंक्शन जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इन सब पर भी हम क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, मतलब वीडियो बन चुकी है। आप उसे भी देख ले, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। ओके, और अदरवाइज जो क्वेश्चन आपको बाकी है या बचा होगा, तो आप उसे किसी भी बुक की मदद से आप उसे खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। जहाँ तक हो सके हमने आपको क्या किया, सॉल्व कर चुके थे। और स्पेशल फंक्शन या फिर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म की बात कर ले तो इन सभी में, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इधर टोटल कंप्लीट ही हो चुका है। और इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर ले तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रल कैलकुलस। एंड इधर था आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी की तैयारी कर ले, पेपर थ्री, पेपर फोर, इन सभी को हमने क्या किया, जो भी था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी को सॉल्व करवा चुके हैं। ओके, तो चलिए, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। वैसे एग्ज़ाम देकर आइए और अपना ओपिनियन दीजिए, क्या आपको क्वेश्चन टकराया या नहीं, तो वो चीज़ आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा क्या होता है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं अब आपको BSc पार्ट थ्री का भी, हम बहुत जल्दी आपको क्या करने वाले, क्वेश्चन मतलब जो भी आपको वीडियोज़ है उस पर भी आपको बनने वाला है। तो पहले आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए, फिर उसके बाद फ्री होते हैं तो फिर हम BSc पार्ट थ्री पर भी काम करते हैं। और आपको उस पर भी जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी बुक है, कौन बुक स्टार्ट करना है, तो वो सब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे किसी दिन। ओके, पहले आप लोग एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाइए। क्वेश्चन नंबर वन पे चार्टपीट मेथड पे क्वेश्चन है, देखिए वो इस तरीके से है। तो चलिए, इसमें आपको छोटा सा आपको रूल भी है, कुछ आपको काम करना है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे आपको जो है, मैं आपको बोल दूं, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड में आपको दिया होगा पी क्यू, इस तरीके से कोई फॉर्म दिया हुआ है। ओके, या आपको बात कर लीजिए इस तरीके से है। आपको यहाँ से क्या करना है, इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, आपको डेल एफ बट्टा में डेल एक्स, मतलब आपको इस फॉर्मूला पे बैठाना है। जैसे देखिए डी पी, ये आपको फॉर्मूला होता है डेल एफ बट्टा का डेल एक्स, पी इंटू डेल एफ बट्टा का डेल जेड, ये चीज़। तो ये आपको एक छोटा नहीं होता, मतलब बड़ा होता है, डी पी होता है, डी क्यू होता है, डेल एफ बट्टा का डेल वाई होता है। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा, तब आप काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं हो सकता है। तो और भी इसमें है, तो मैं आपको इक्वेशन बनाऊंगा तो वहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा। तो ये आपको है ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालने के लिए। आपको देखिए, इसे हम लोग लिखते हैं चारपीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन। क्या चीज़, चारपीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन। तो ये निकाल लेंगे और पिछले वाले मेथड के द्वारा जो हमने बनाया उसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लेक्चर 9 अगर आप नहीं देखे तो उसे अवश्य देख ले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। तो आप लेक्चर 9 देख ले। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, इसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जो लिखा हुआ है, ये गिवेन इक्वेशन जो दिया गया है, मैं इसको पहले उठा के इधर कर लूंगा ताकि ऐसा फॉर्म बन जाए पी एक्स प्लस क्यू वाई, और ये आपको उठ कर आ गया माइनस का पी क्यू, ठीक है, बराबर का जीरो। मैं इसे इक्वेशन वन मान लिया, क्लियर है। तो आपने इतना काम कर, देखिए जो भी प्रोसेस है, जो रूल है, हम इसमें आपको बता देंगे क्या क्या करना, सेम टू सेम इसी की मदद से आप अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं इधर लिखूंगा वो चीज़ हम यहाँ पर भी आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ अपन कर लिया ना, बिल्कुल कर लिया, हमें फंक्शन एफ में चाहिए। तो आप इसे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप बोल दीजिए कि एफ बराबर में, मतलब बोल दिया कि अपन एफ बराबर में ये पी एक्स क्यू वाई माइनस पी क्यू है, एफ लेट कर लिए। डेल एफ बट्टा का डेल एक्स अपन निकाल लेंगे, क्यों क्यों निकालेंगे, देखिए पहले मैं डेल एफ बट्टा का फॉर्मूला में बैठाना है एक्चुअल में, इसलिए तो मैं डेल एफ बट्टा का डेल एक्स निकाल लेता हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा करना क्या है। ओके,
डेल ए बट्टा का डेल एक्स, इसका मतलब है इसको जो है ना पार्शियली डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये पी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब जीरो, ये भी माइनस का जीरो, मतलब पी आ चुका है। ये डेल ए बट्टा में डेल एक्स, अगर मैं डेल ए बट्टा का डेल वाई की बात कर लूँ, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली, पी वाला आपको जीरो, वाई वाला से हमको लेना देना है वाई का वन, वाई तो इधर है ही नहीं, ये भी जीरो, मतलब आपको क्यू हो चुका है। दो वैल्यू निकला। चलिए मैं आगे निकालता हूँ डेल एफ बट्टा का, वाई के बाद जेड निकाल लेता हूँ, डेल जेड, जेड वाला तो है ही नहीं, पार्ट अपना जीरो। डेल एफ बट्टा का डेल पी निकाल लेते, अगर पी की बात कर ले तो ये वाला में पी, पी का वन एक्स, पी का वन हो गया एक्स, यहाँ पर भी पी है देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्यू आ जाएगा, मतलब एक्स माइनस का क्यू। डेल एफ बट्टा का डेल क्यू निकाल लेंगे, अगर क्यू की बात कर ले तो क्यू वाला पार्ट को नहीं, ये वाला और ये वाला पार्ट, मतलब क्यू, क्यू का तो वन हो जाएगा यहाँ पर। ओ हो, क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्यू का वन वाई, यहाँ पर पी, क्यू का वन वाई माइनस का पी निकल गया। चलिए मैंने ये काम कर लिया, एंड लगा देते हैं यहाँ पे। ये काम करने के बाद मैं जो अब फार्मूला लिखूंगा वो मस्त है, द चार पिट ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, जो अपना चलेगा वो चलेगा डीपी बट्टा में, ये फार्मूला होता है, ये देख लीजिए, डेल ए बट्टा का डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल ए बट्टा का डेल जेड। क्लियर है? डी क्यू बट्टा में डेल ए बट्टा का डेल वाई प्लस क्यू डेल ए बट्टा का डेल जेड, डी जेड माइनस पी इंटू डेल एफ बट डेल एफ बट्टा का डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बट्टा का डेल क्यू। ये आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा फार्मूला है, ये सच का, ये आपको याद हो सकता है, एकदम सिंपल है, दो चार मार तक फार्मूला लिख लिख के बनाएंगे ना, पक्का याद हो जाएगा, आई गारंटी। देखिए आपको क्या होगा, ये आपको याद ही हो जाएगा, अगर बार बार फार्मूला, जितना क्वेश्चन बनाए उसमें फार्मूला लिखे खुद से, फार्मूला अवश्य याद हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ ना, ये डेल एफ बट्टा का डेल क्यू, और भी इसमें होता है, जैसे डेल एफ इसमें होता है डी एफ बट्टा में, आपको ये हो गया आपका कितना, आपको जीरो। तो ये चीज, तो आप यहां पर इतना काम करेंगे, तो इतना काम करने के बाद आपका क्या होगा, इसमें मान पुट करेंगे यहां से, फिर पिछले वाले मेथड से एक दूसरे को जो लेके बनाते थे, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, एकदम सिंपल सा चीज है, मान पुट करिए, आगे भी हम लोग को काम करना, मान पुट करेंगे, पी और क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आपको डी जेड निकालना है, तो ये चीज है, जो जो काम होगा मैं वो चीज लिख दूंगा यहां पर, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। ये डीपी वाला पार्ट लिख दीजिए, डेल ए बट्टा का डेल एक्स मान कितना है, डेल ए बट्टा डेल एक्स, ये जीरो, ये जेड है, यहां पी, पी इंटू डेल एफ बट्टा का डेल जेड, जीरो तो जीरो डाल दीजिए, डी क्यू, डेल एफ बट्टा का डेल वाई कितना है, क्यू है तो क्यू रख दीजिए, क्यू, डेल एफ बट्टा का डेल जेड जीरो, डी जेड ये माइनस का पी, डेल एफ बट्टा का डेल पी, डेल एफ बट्टा का डेल पी, ये वाला एक्स माइनस का क्यू माइनस डेल एफ बट्टा का डेल क्यू, डेल एफ बट्टा का डेल क्यू वाई माइनस का पी, ये वाला पार्ट डी एक्स में पुट कर दीजिए, माइनस डेल एफ बट्टा में डेल पी, पी वाला पार्ट को नहीं, ये एक्स माइनस का क्यू है ना, तो माइनस लगा के एक्स माइनस का क्यू, डी वाई बट्टा में ये वाला पार्ट, डेले बट्टा में डेल क्यू का पार्ट, डेले बट्टा में डेल क्यू का मान कहाँ, डेले बट्टा में वाई माइनस का पी माइनस के साथ, और ये अपना डी ए बट्टा में जीरो। क्लियर है? अब देखिए ये चीज आपने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, यहीं से आपका जो है ना किसी दो को लेकर काम करना है, देखिए यहीं से आपका जो खेल होगा वही, पहले भी हम लोग ये काम नहीं करते थे, किसी को लेकर आपको काम करना वही, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स, जिसका आपको इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो,
वो पार्ट को ले लेना, और पी या क्यू का वैल्यू निकाल के पुट करके, अगर पी का निकल गया तो क्यू का निकाल लेंगे, ऐसा देखिए ना, ऐसा पहले हम बोल क्या रहे हैं आपको कर ही कर दिखाते हैं। देखिए ये वाला पार्ट को लिखा डी पी बट्टा का पी डी क्यू बट्टा का क्यू, ये जो पार्ट है पी और क्यू, आप क्या करिए इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ से पी क्यू निकाल लीजिए। मैंने इसका इंटीग्रेट लिखा, मतलब आपको लॉग पी लॉग क्यू, हमने जोड़ दिया एक लॉग सी या लॉग लॉग ए जोड़ दिया, तो पी बराबर में ये क्यू ए एम इन टू एन लॉग खत्म। तो मैंने यहाँ से पी का मान निकाल लिया, क्लियर। अब इस पी की मदद से हम क्यू भी निकाल लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट ये वाला इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये वाला जो लिए थे ना, फ्रॉम फर्स्ट पी एक्स माइनस का क्यू वाई माइनस का पी क्यू, किसका मान डालेंगे, पी का डालेंगे। तो देखिए मैं लिख दूं यहां पर पी एक्स, पी का मान क्यू ए एक्स, अब यहां पर क्या था आपको क्यू वाई था, नहीं तो क्यू वाई रहने दीजिए, माइनस पी क्यू एक्स था, यहां पर देखिए पी का वैल्यू था ना यहाँ पे पी माइनस का पी क्यू था, पी का वैल्यू क्यू ए इंटू का क्यू बराबर का जीरो, रिजल्टेंट यहां से क्या आएगा देख लीजिए, ये ए क्यू एक्स है और यहां पर आपको यहां अच्छा सब में से क्यू कॉमन है, कॉमन लग के बाहर जीरो में डाल दीजिए, एक्स वाई माइनस का ए क्यू बराबर का जीरो, क्लियर है। तो एक्स प्लस वाई बराबर का ये इधर गया तो ए क्यू, तो आपको यहां से क्यू का जो वैल्यू निकलेगा एक्स प्लस वाई बट्टा का ए, अच्छा ये वाई लिखा हुआ मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ वाई, ये अपना ए है, हो गया यहाँ से क्यू का वैल्यू निकल गया, बहुत अच्छी बात है, अब तक आपका काम बन गया, ये वाला पार्ट आपको क्यू का वैल्यू निकला। और हम यहाँ से क्यू का तो निकल चुका है, अगर पी की बात कर ले तो क्यू ए है भाई, क्यू को तो हटाना पड़ेगा बिल्कुल, अगर पी का वैल्यू तो मैं क्यू कैसे डालिएगा, तो पी बराबर में क्यू ए है, चूंकि हमें जो है यहाँ पे पी बराबर का क्या था क्यू ए, तो क्यू का वैल्यू एक्स प्लस का वाई बट्टा का ए इंटू का ए, ए ए कैंसिल, मतलब पी का जो वैल्यू निकल के आ गया एक्स प्लस का वाई, लीजिए दोनों निकाल लिए, चलिए अपना काम ये आपको हो चुका है। हम अब यहां से एक नई चीज है, नाउ इसमें डी जेड निकालना, और यहीं से आपको जेड का जो वैल्यू निकलेगा यही काम करेगा, पी डी एक्स फॉर्मूला होता है क्यू डी वाई, मैंने बोला ना जो काम की चीज है मैं यहीं पर लिख के आपके साथ काम कर दूंगा। देखिए ये वाला पार्ट है, अच्छा ये थोड़ा सा कट गया, मैं इसे क्या करता हूं आपको देखिए, ये जो पार्ट है अगर मैं बात कर लूं ये, तो देखिए ये वाला पार्ट था अपन क्या कर लिए, इससे आपको घेर दिए, क्योंकि ये जो है अपना काम करने वाला कैसे, तो देखिए ये डी जेड है, पी का वैल्यू जो निकाले यहाँ पर आपको पुट करना है, ओके, और ये अपना डी एक्स है, बात कर ले क्यू का वैल्यू एक्स प्लस वाई बट्टा में ए है, और ये अपना डी वाई है, यहीं से आपको जो है ना काम करना, देखिए कैसे एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है ले लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट तो आपको करना पड़ेगा ना, वही चीज़ तो काम करना है आपको, डी एक्स वन बट्टा का ए डी वाई, हो गया। चलिए मैं आपको बात कर लूँ, ये डिजिट का वैल्यू ए को भेज दीजिए, ए डिजिट बन जाएगा, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई डी एक्स, ओ ए डी एक्स नहीं, यहीं पर लिख देते ना ए डी एक्स, लघुत्तम लेने के बाद ही जाएगा उधर ना डी वाई, ए उधर लघुत्तम में चला गया ना, लघुत्तम लेने के बाद ही गया होगा, तो ये आपको इंटीग्रेट है, ए डी जेड का जेड, ये जो है ए एक्स प्लस का वाई, तो आप इसका क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर आपको ये चीज है, तो मैं आपको एक लॉजिक दूं आप, अच्छा एक तो एक मरतबा और लिखकर दिखाई देते ना, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना, ऐसा ऐसा देखिए ना, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं ये इस तरीके से, आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एक्स प्लस का वाई है ना, इनमें से डी कॉमन आप समझ लीजिएगा, तो क्या होगा एक्स प्लस का वाई, मैंने डी लिख दिया यहाँ पे, ओ तेरी स्पेस स्पेस स्पेस, ऐसा ऐसा, बस समझने के लिए कोई खास चीज़ यहाँ पर नहीं है, डी कॉमन हो गया समझिए, ये एक्स है
ये प्लस का वाई है, ठीक है, ये ब्रेकेट है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में एक्स डीएक्स लिखा हुआ तो क्या करते हैं? मतलब ये वाला पार्ट अगर सेम होता है तो इसका आंसर में ये पावर का 2 करते, नीचे भी 2 करते, इसके लिए भी तो ये एक एक्स की तरह काम कर रहा है और ये भी तो एक एक्स है। यही चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने इतना काम किया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो आप मुझे ये बताइए, ये तो ए डी जेड का जेड, और इस वाले पार्ट का क्या लिखेंगे आपको, ए एक्स प्लस का वाई का स्क्वायर, यही ना। लेकिन इसके डिवाइडिंग में भी आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 लिख दीजिए और एक कॉन्स्टेंट को अपन का कर दिए, यहाँ से जोड़ दिए। तो ये क्या हो चुका आपको, एक आपको वैल्यू आ चुका जिसका हमने निकाला। देखिए ये आपको ए भी, ए पहले में निकाले थे हम लोग ये वाला में, बिल्कुल यहाँ से पी और क्यू दोनों निकाल कर हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में पुट किया और यहाँ से अपना क्या हुआ कि वैल्यू अपन निकाल पाए। ओके, तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एडजस्टमेंट कर दूं इनका, यहां से आप ले लीजिए यहां तक, आगे इस वाले पॉइंट तक, ये आपको क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब लिख सकते हैं विच इज कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, चलिए मैं क्या कर दूं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास कैसा है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, हम इसे भी क्या कर लेंगे, पहले बोल देंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इसी में है ये, तो इसको उठा के ले आएंगे, जेड माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर का 0। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले डेल एफ बट्टा का डेल एक्स निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो जेड का 0 माइनस का पी, एक्स कहीं पर नहीं है, 0, कहानी खत्म, मतलब आपको हो चुका माइनस का पी। अगर बात कर ले डेल एफ बट्टा का डेल वाई की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में इसका काम करना, वाई कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इसी का होगा, बाद बाकी सब कहानी खत्म, मतलब माइनस का क्यू। अब डेल एफ बट्टा का मैं डेल जेड की बात करूंगा, जेड वाले से हमको मुद्दे की बात है, ये 1, जेड वाला और कहिए नहीं है, कहानी खत्म करिए इसका। आप डेल एफ बट्टा में डेल पी की बात करेंगे, पी के बाद क्यू लेते हैं, पी वाला कहाँ, यहाँ पर, मतलब आपको माइनस का एक्स, पी का 1, पी वाला ये माइनस का 2p, क्लियर है। अब मैं डेल एफ बट्टा का डेल क्यू की बात कर लूँ, क्यू वाला पार्ट ये पी है ये क्यू है, मतलब माइनस का वाई, ये क्यू वाई वाला पार्ट है एंड क्यू वाला ये माइनस का 2q। चलिए अपना काम बन गया। अब मैं यहाँ से लिखूँ द चारपीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन, द चारपीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, तो मैं यहाँ से चारपीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिख, तो देखिए अपन लिख चुके ये फार्मूला। अब मैं क्या कर दूँ, इसमें मान पुट कर देता हूँ, देखिए काफ़ी सिंपल है, डेल एफ बट्टा में डेल एक्स, इसका मान यहाँ पर माइनस का पी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, डी पी बट्टा में डेल एफ बट्टा डेल एक्स का मान, देखिए अब आपको देखने में सुविधा होगा, ये आपको माइनस का पी है तो मैंने यहाँ पे माइनस का पी लिख दिया, ये पी लिखा हुआ है, पी डेल एफ बट्टा का डेल जेड का मान 1, तो 1, क्लियर। डी क्यू डेल एफ बट्टा का डेल वाई का मान माइनस का क्यू लिख दीजिए, क्यू डेल एफ बट्टा डेल जेड का मान 1, ये तो 0 हो चुका है ये वाला पार्ट, क्यू माइनस क्यू 0। डी जेड माइनस पी डेल एफ बट्टा में डेल पी का मान, डेल एफ बट्टा में डेल पी का मान ए माइनस एक्स, ये थोड़ा लंबा वाला है, माइनस एक्स माइनस का 2p, माइनस का क्यू डेल एफ बट्टा में डेल क्यू का मान, माइनस का वाई माइनस का 2q, डी एक्स बट्टा में माइनस डेल एफ बट्टा में डेल पी, ये वाला पार्ट माइनस बाहर माइनस एक्स माइनस का 2p, डी वाई के बट्टा में डेल एफ बट्टा में डेल क्यू का मान माइनस वाई माइनस का 2q। फाइनली अपने पास यहाँ से क्या रिजल्टेंट आ जाता वो हम लोग देख लेते हैं। ये 0, कोई दूध को उठा लीजिए ना, 0 0 तो है ही, अपना काम बन ही जाएगा। ये 0, ये डी क्यू बट्टा में ये भी 0,
ठीक है, तो अपने को यहां से क्या निकल जाएगा, डीपी का वैल्यू एक मरता जीरो निकल जाएगा, एंड डीक्यू का भी वैल्यू कितना निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा। मतलब पी का इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे तो पी का मान ए एंड क्यू का मान भी बी, पी एंड क्यू तो निकल चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पी क्यू निकल चुका, अब हम लोग को इसमें इंजेक्ट करना है खाली, किस में, ये डी जेड बट्टा में पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, रख दीजिए डी जेड बराबर में पी का वैल्यू ए, अच्छा पी डी एक्स है वो डी एक्स, क्यू का वैल्यू बी डी वाई कॉन्स्टेंट, तो डी जेड, अरे भाई साहब इसका इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा आपको, जेड इंटीग्रेट ए एक्स बी वाई, अपने पास अच्छा कांस्टेंट हमने पहले लगा दिया क्या इंटीग्रेट के बाद कांस्टेंट लगाते तो बाद में लगा देंगे, ठीक है। ये अपना क्या हो चुका है प्लस का सी, तो ये क्लियर है, हमने एक सी लिया। आप यहां पर जो है इस सी के जगह पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको क्या था ये पी एंड ये ए, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर आप जो है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग देख लीजिए, ये जेड बराबर में है ना, हमने अभी जो वैल्यू निकाला वो किसका मान निकाला, जेड, और ये सी को गायब करना है, क्या करें मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जेड का वैल्यू गिवेन इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग इन गिवेन इक्वेशन, मतलब एक्स प्लस का, मतलब यहाँ से सी को गायब करके, मतलब सी का वैल्यू निकाल कर जो है ना निकाल लेते हैं यहाँ पे पुट करने के बाद, बराबर का कितना अपने पास पी एक्स प्लस का क्यू वाई, कितना पी एक्स प्लस का क्यू वाई और पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर है, यही चीज़ है ना, एक्स है बी वाई है प्लस का सी है, ए पी का मान कितना निकाले थे अभी हम लोग, पी का मान ए क्यू का मान बी, मतलब ये भी एक्स प्लस का बी वाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक दूसरे के साथ ये सब कट रहा है, मतलब सी का मान पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक ये चीज़ आपको क्या निकल गया सी, अब जेड का मान निकाल लेंगे यहाँ से, हेंस लिख लीजिए, हेंस फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन, जेड बराबर में एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी के जगह पर जो होगा ये गैप कर देंगे सी को पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो चलिए ये सी को निकालने के लिए अपन इतना काम किए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन सब है, आप क्या करिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक लीजिए, आगे आप ऐसा करिए ये वाला पार्ट को पूरा स्क्रीनशॉट में लीजिए एंड आप यहाँ तक, तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास ये अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर का ये जो पार्ट है, लेकिन बराबर की इस पार उठाकर, ठीक है, वाई प्लस का पी क्यू माइनस प्लस का क्यू वाई माइनस का वाई जेड बराबर का जीरो। अब आपको क्या करना है, डेल ए बट्टा का डेल एक्स, सब में वही काम करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ध्यान से एक्स वाला ये पार्ट है, मतलब आपको पी वाई एक्स का वन, एक्स है ही नहीं है हटाइए, डेल ए बट्टा में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में वाई वाला देखिए ये वाला है वो वाई है, मतलब आपको यहाँ पर का पी एक्स आएगा, वाई यहाँ पर भी है मतलब आपको क्यू आएगा वाई का वन, डेल ए बट्टा का डेल जेड, जेड वाला पार्ट कहीं दिख रहा है क्या, ये माइनस का वाई हटाइए, अब डेल ए बट्टा में डेल पी निकाल लेते हैं, पी वाला पार्ट मतलब एक्स वाई, पी वाला पार्ट मतलब क्यू, पी वन हो गया और ये क्यू वाई पी है ही नहीं हटाइए, एंड आपको डेल ए बट्टा का डेल क्यू की अगर बात कर लूँ, क्यू वाला पार्ट ये, तो क्यू का वन पी, क्यू वाला पार्ट क्यू का वन वाई हो गया। चलिए आपको मैं बता दूं यहां से द चार पीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन, चार पीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, देखिए आपको चार पीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो लिखना है क्या लिखे हम लोग देखिए, तो अच्छा ये डीपी बट्टा में थोड़ा बड़ा वाला जो फार्मूला वही चीज है, तो मैं पूरा आपको लिख देता हूं ये, तो देखिए आपको डीपी बट्टा में जो है
ये डेल ए बट्टा में डेल एक्स का वैल्यू रख दे हम लोग, अब जो निकाल चुके वो क्या करते रख देते, पी वाई ए पी वाई डाल दीजिए, पी डेल ए बट्टा में डेल जेड वैल्यू कहाँ है भाई, यहाँ पे माइनस का वाई यहाँ पर लिख दीजिए, बस आपको वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट करना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डेल ए बट्टा में डेल वाई का मान कौन है, डेल एफ बट्टा में डेल वाई, पी एक्स प्लस का ए सॉरी पी एक्स प्लस का क्यू, यही ना, डेल ए बट्टा में डेल वाई पी एक्स प्लस का क्यू लिख ही दिए हैं, और भी कुछ है क्या, हो गया ये आपको क्यू वाई, चलिए पी एक्स प्लस का क्यू एंड वापस से आपको कितना यहाँ पर क्यू है, तो आप यहाँ पर क्यू लिख दीजिए, प्लस डाल देते हैं ना। अच्छा हम लोग वाई वाला पार्ट लिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए एक बार तो देख लीजिए, एक बार ध्यान दे लीजिए वरना मामला गड़बड़ा आ जाएगा, वाई यहाँ पर भी वाई है, गड़बड़ा आ जाता मामला, देखिए जेड है तो होता ना माइनस का जेड, यहाँ पे माइनस का जेड, क्लियर है, क्यू लिख दीजिए जो है लिख दीजिए, डेल ए बट्टा में डेल जेड का मान, डेल ए बट्टा में डेल जेड का मान जो है माइनस का वाई, मैं इसको प्लस को हटा के माइनस से कर देता हूँ ना, एक ही मरतब अब मैं अपना खेल हो जाता, माइनस का वाई हटाइए, हो गया डी क्यू का मान। अब मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, डी जेड का वैल्यू रख दूंगा, ये डी जेड माइनस का पी डेल ए बट्टा में डेल पी ये वाला पार्ट, एक्स वाई प्लस का क्यू माइनस क्यू डेल ए बट्टा में डेल क्यू पी प्लस का वाई, पी प्लस का वाई, डी जेड के बाद डी एक्स माइनस डेल ए बट्टा में डेल पी माइनस का एक्स वाई माइनस का क्यू, डी वाई बट्टा का डेल ए बट्टा का डेल क्यू माइनस का पी माइनस का वाई। चलिए अब किसी दो पार्ट को उठा लीजिए जो अपने काम का है, कौन वाला को उठा ले भाई, कोई वाला को जा, पी वाई माइनस पी वाई तो जीरो बन गया, ये वाला फर्स्ट एंड लिख लेते, जीरो बन गया तो अपना काम आसान हो जाता है ना, ये वाला फर्स्ट मेंबर को डी पी बट्टा में जीरो मतलब बराबर का जीरो, वही चीज है, मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या बोलेंगे यहां से, पी बराबर का ए, जीरो का कांस्टेंट है ना, जीरो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जोड़ जोड़े समझिए ना, कांस्टेंट है जोड़ दिए। अब मैं अब इससे पुट करके क्यू का मान निकालूंगा, पुटिंग इन नाम दिए थे नहीं दिए थे, गिवेन इक्वेशन कर देते, पुटिंग इन गिवेन इक्वेशन, एकदम सिंपल होता है ये, कोई बड़ी बात नहीं होता, यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये वाला में माने थे ना पी एक्स वाई जेड जो भी है ये वाला, तो इसी में पुट कर लीजिए, पी की जगह पर कितना है ए, ए पुट कर दे यहाँ पर लीजिए, पी की जगह पर अपन ए पुट कर दिया तो ए एक्स वाई प्लस ए क्यू क्यू वाई और यहाँ पर आपको वाई जेड, इससे ये साबित होता है कि क्यू वाला पार्ट ये दोनों है, क्यू कॉमन ले लिया, ए प्लस का वाई इंटू क्यू बराबर का वाई जेड माइनस का ए एक्स वाई, मतलब रिजल्टेंट क्यू बराबर में वाई जेड, अच्छा आप चाहे तो वाई यहाँ से कॉमन भी ले सकते, ले लेते तो ले ही लेते ना, चाहे क्या कि ले ही लीजिए, लीजिए कॉमन हो चुका है ये ए प्लस का वाई। मैं अब डी जेड नाउ यही वाला जो लास्ट वाला काम है वो कर लीजिए, डी जेड बराबर में पी डी एक्स क्यू डी वाई, मतलब पी डी एक्स क्यू डी वाई करेंगे ना, तो डी जेड बराबर में पी का वैल्यू देख लीजिए ए क्यू का वैल्यू, अच्छा क्यू का वैल्यू थोड़ा खतरनाक लग रहा है नहीं, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है, इसके लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, हम है ना हम इसको आसान कर दूंगा, ये देखिए ये जो वाई है जेड माइनस का ए एक्स है, ये माइनस नहीं है मतलब आपको ये ऑटोमेटिक लिखा जाता है क्या, ए प्लस का वाई ये डी वाई। अब मैं इससे आगे क्या काम करूंगा मालूम है, इसको अपने पास ले लूंगा, डी जेड माइनस का ए डी एक्स, इस वाले में ए प्लस वाई है ना और ये वाई जेड भी है, कुछ तो करना पड़ेगा, इस वाई का जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, जेड माइनस ए एक्स को भी हटाना पड़ेगा, ओह वाई जेड माइनस का ए एक्स, क्योंकि ये लोचा वाला चीज़ है इसको हटाना पड़ेगा डी वाई, इसको इधर भेज दीजिए, डी जेड के बट्टा में ए डी एक्स, अपना काम बन जाएगा, मैं तो दिखा दूँ ना, वाई बट्टा में ए प्लस का वाई,
आप इसको अरेंजमेंट करके लिख लीजिए, वाई ऐसे लिखे ना, 1 माइनस 1 बट्टा का ए प्लस वाई, देखिए तो ए प्लस का वाई माइनस का 1 बट्टा में ए प्लस वाई। नहीं 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 यहाँ पे क्या डाले कि हो जाए, ये तो ना ऊपर आना चाहिए, ऊपर तो वाई आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए कर दे, ए कैंसिल वाई, मतलब यहाँ पर 1 को हटा के मैं ए करने वाला हूँ ए। चलिए डी वाई, अगर इसकी बात कर ले तो आप इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते मुझे बताइए, डी अगर आप कॉमन ले लेते तो क्या कहते हैं आपको, जेड माइनस का ए एक्स, जेड माइनस का ए एक्स, ये चीज़ है ना। मैं आपको एक आइडिया दूं, आइडिया देखिए तो सही, अगर आपके पास डी एक्स ऐसा लिखा हुआ, डी एक्स बट्टा में एक्स इंटीग्रेट करने के लिए कोई आदमी बोलेगा भाई, बोलिएगा ये सेम है, ये सेम है, हम लॉग एक्स लिखेंगे, ये क्लियर है ना। आप भी बोलिएगा भाई साहब ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, मतलब इंटीग्रेट अपना हो जाएगा, ये भी लॉग एक्स के जगह पर कितना काम कर रहा है, जेड माइनस का एक्स, ये डी वाई आएगा मतलब वाई, ये ए कॉन्स्टेंट है 1 बट्टा ए प्लस का वाई, इसके जगह पर भाई ये भी तो लॉग ए है ए प्लस का वाई, मैं एक कॉन्स्टेंट ले लिया वो लॉग बी ले लिया क्योंकि पहला वाला ए। आप यहां से क्या करिए, ये जेड माइनस का ए एक्स है, रहन दीजिए लॉग के साथ है, रहन दीजिए वाई, इसको लॉग कैसे बना है, अच्छा ये भी लॉग बन सकता है, लॉग ई का मान जो होता है 1, लॉग ई का पावर वाई कर दिया, भेज दीजिए ये प्लस हो चुका है, लॉग ए प्लस वाई का पावर में माइनस का ए, ये लॉग बी, अब लॉग एम प्लस एन तो लॉग एम ई का पावर वाई, और ये ए प्लस का वाई माइनस का ए, ये इंटू इंटू का बी, इधर भी लिख दीजिए या इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों का लॉग लॉग हटा दीजिएगा, जेड माइनस का ए एक्स, मतलब जेड माइनस का ए एक्स बराबर में ई का पावर वाई ए प्लस का वाई बी। हाँ ये चीज़ तो है, आपने काम कर लिया, या फिर बी को उठा के आप इधर लिख दीजिए तो बी इधर आ जाएगा, यहाँ से आपका बी गायब हो जाएगा क्योंकि माइनस का ए था, ओ पावर भी तो है माइनस का है ये, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली लॉग हटा के रिजल्टेंट आ चुका, कंप्लीट सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक लीजिए, फाइनली आप यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां तक एंड यहां तक आप स्क्रीनशॉट करिए। तो देखिए अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको इस तरीके से दिखता है, हम लोग यहाँ पर से क्या कर लेंगे, लेट पहले कर लेंगे, क्या बोल देंगे, ये जो है अपना एफ एक्स वाई जेड पी क्यू जो है ये वाला पार्ट है, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy और प्लस का पी क्यू। तो देखिए ये अपने को ले लिया, बराबर का जीरो है तो जीरो। आप यहाँ पर से जो ये खेल करने के बाद आपको डेल एफ बट्टा का डेल एक्स चाहिए, मैं लिख लूँगा डेल एफ बट्टा का डेल एक्स, अच्छा ये आपको कैपिटल एफ ने, मैं स्मॉल एफ ले लेते क्योंकि यहाँ पर आपको स्मॉल एफ में लिखते हैं, लीजिए आप यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब मेरा ये टू जेड एक्स जहाँ पे उससे मतलब रखिए, ये माइनस का टू पी एक्स वाला जो है उससे मतलब रखेंगे खाली, ये टू पी एक्स ना तो एक्स डाल दीजिए, ये वाला मतलब आपको एक्स का वन, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, टू क्यू वाई एक्स सही नहीं है, कहानी खत्म। चलिए डेल एफ बट्टा का डेल वाई लेंगे, y वाला पार्ट ये है, माइनस का 2qx y है नहीं है, मैं डेल एफ बट्टा का डेल z की बात करूंगा, z वाला पार्ट ये 2z, बाद बाकी कहीं पर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अरे z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये 2z x होगा ना, ये मामला अभी गड़बड़ आ जाता। अब मैं डेल एफ बट्टा का डेल p की बात करूंगा, मतलब p के रेस्पेक्ट में ये है माइनस का 2p, अरे p के रेस्पेक्ट में ना तो ये एक्स स्क्वायर ना, माइनस का एक्स स्क्वायर, p वाला कोई नहीं, ये मतलब q, डेल ए बट्टा का डेल q, q के रेस्पेक्ट में ये वाला माइनस का 2xy, q ये है मतलब p, निकल गया। अब द चार पी टॉक्स डिलीवरी इक्वेशन अपन यहाँ पर से लिखने वाले, क्या चीज़,
द चार पीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन। देखिए क्या लिखेंगे, डीपी बट्टा में डेल एफ बट्टा का डेल एक्स का मान, ये वाला पार्ट टोटल मैं लिख दूं, ये वाला पार्ट टू जेड, मैं डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, टू पी एक्स टू क्यू वाई। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है, पी इंटू का डेल एफ बट्टा में डेल जेड, अगर मैं बात कर लूँ पी इंटू का डेल एफ बट्टा में डेल जेड, डेल जेड का वैल्यू निकाले क्या, ये टू एक्स है, रख दीजिए। चलिए आगे की कार्यवाही चालू की जाए, डी क्यू। अब मुझे यहाँ पर से जो रखना डेल एफ बट्टा का डेल वाई, डेल एफ बट्टा का डेल वाई ये वाला माइनस टू क्यू एक्स, उसके बाद अपने को यहाँ पर क्यू इंटू का डेल एफ बट्टा का डेल जेड ये वाला पार्ट मतलब टू एक्स। चलिए आगे वाला पार्ट डी जेड, डिवाइडिंग में आपको ले लेना है, डी जेड वाले में क्या होता है माइनस का पी, माइनस पी डेल एफ बट्टा का डेल पी कहाँ मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर पी क्यू है, माइनस का क्यू डेल एफ बट्टा का डेल क्यू, ये माइनस का टू एक्स वाई प्लस का पी, मैं इसमें ये दे दिया। डी जेड के बाद जो बात करेंगे डी एक्स, डी एक्स वाला पार्ट जो है कितना है, डी एक्स बट्टा में क्या होता है आपको ये तो पता होना चाहिए, डेल एफ बट्टा का डेल पी ये माइनस वाला एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू, डी जेड बट्टा में क्यू वाला पार्ट ये, डी एफ बट्टा में डी क्यू, डी क्यू का मानिए ना माइनस का टू एक्स क्यू, ये माइनस टू एक्स वाई, अच्छा माइनस माइनस प्लस प्लस का पी लीजिए, मैंने लिख दिया। अब कोई दो मेंबर्स को उठाइए जो अपने फायदे हो, ये वाला में ये वाला में, ये पी टू एक्स कैंसिल, ये वाला दोनों कैंसिल हो ही गया, तो टेकिंग दो मेंबर अपना काम कर रहा है ना, क्योंकि अपने को पी या क्यू का वैल्यू चाहिए जो पुटिंग करेंगे गिवन इक्वेशन में, फर्स्ट टू मेंबर्स उठाइए, तो डी जेड बट्टा का टू जेड माइनस का टू क्यू बराबर में डी क्यू बट्टा का जीरो, ये डी क्यू है, ये टू जेड माइनस का टू क्यू, खेल तो होगा, तो अपने को क्या, अपने को तो ये तो जीरो के बराबर हो जाएगा ना, कहानी खत्म। तो डी क्यू अपना कितना हो चुका है यहाँ से जीरो, मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ से, क्यू का मान आपको कांस्टेंट में ए ले लेते हैं, पुटिंग इन गिवेन इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख दूँ पुटिंग इन गिवेन इक्वेशन, आइए इक्वेशन ये वाला पार्ट है, किसके जगह पर, क्यू के जगह पर ए, क्यू के जगह पर ए, यहाँ पर एक जगह क्यू है, यहाँ पर एक जगह, मतलब दो ही जगह चेंज है बाकी सब सेम, टू जेड एक्स पी एक्स स्क्वायर टू क्यू की जगह पर ए एक्स वाई पी ए बराबर जीरो, क्यू की जगह पे मैं यहाँ से क्या कर लूँ, क्यू वाले पार्ट को चाहिए अपने को, क्यू नहीं पी पी, ये कौन पी, ये दोनों है ना, ये पी ए माइनस का पी एक्स स्क्वायर, तो पी ए माइनस का पी एक्स स्क्वायर बाद बाकी गया इस पार, टू ए एक्स वाई माइनस टू जेड एक्स। चलिए अब अपना क्या रूल लगा सकते हैं यहाँ से, पी अकेला करना, पी कॉमन ले लिया, ए माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग में भेजिए, ऊपर से टू एक्स कॉमन है निकाल लीजिए, टू एक्स इसमें से निकालिए ना, क्या निकालिएगा, ए वाई माइनस का जेड, यहाँ से पी तो ए माइनस का एक्स स्क्वायर,
अगर मैं इसको बात कर लूँ तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना। ये 2x है ना, माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया, 2xz माइनस का ए वाई, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया, जिससे कि दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाए। चलिए नाउ पी क्यू निकल गया, अब अपना डी जेड इसमें ये वाला में पुट कर देंगे, पी डी एक्स क्यू डी वाई। क्लियर है, इसमें पुट कर दिया, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से काम बन जाएगा। डी जेड बराबर में पी का वैल्यू ये वाला पार्ट डाल दीजिए यहाँ पर, 2xz माइनस का ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का ए, डी एक्स क्यू डी वाई, क्यू का वैल्यू ए डी वाई। चलिए आगे काम कर लेते हैं यहाँ से, ये डी जेड वाला पार्ट है, ये वाले को उठा लीजिए, डी जेड माइनस का ए वाई ए डी वाई बराबर में ये 2x वाला पार्ट में, ये जेड माइनस का ए वाई डिवाइडिंग वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए, ये डी एक्स, जेड वाला इधर है इधर भेज दीजिए, डी ऊपर से मैंने डी बोल दिया अपन कॉमन, जेड माइनस का ए वाई, यहाँ पर जेड माइनस का ए वाई बाहर निकाल लीजिए, अब ऊपर में 2x बट्टा का एक्स स्क्वायर माइनस का ए डी एक्स। आइए नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, 2x खेल बन गया, इसका ऊपर है खेल बन गया, मतलब इंटीग्रेट ये लॉग जेड माइनस का ए वाई, ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस का लॉग कॉन्स्टेंट, ये जेड माइनस का ए वाई, ये बी इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का ए, ये फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना आसान है ना, एग्जाम में आए भी करता, चार्ट पीट मेथड से आएगा ही तो आएगा। आप यहाँ से यहाँ तक लीजिए, मस्त क्वेश्चन सब होता है यहाँ तक स्क्रीनशॉट, आगे आप यहाँ तक ले लीजिए एंड आगे आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ। तो चलिए अपन ले ले चुके हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये चीज़ें आप यहाँ से क्या करिए, डेल एफ बट्टा का डेल एक्स पहले निकाल लीजिए, एक्स वाला चाहिए एक्स वाला खाली देखिए, ये वाला एक्स है ना यहाँ पे, मतलब माइनस का टू पी, बाद बाकी कहीं नहीं हटा लीजिए। डेल एफ बट्टा का डेल वाई की बात कर लेंगे, वाई वाला पार्ट इसमें ढूंढिए यहाँ पर, माइनस का टू क्यू। डेल एफ बट्टा का डेल जेड की बात कर ले तो जेड वाला पार्ट कहाँ पर है ही नहीं है, आप यहाँ पर से क्या करेंगे, डेल एफ बट्टा का डेल पी का मान बात करेंगे, पी पला बार टू पी, माइनस का यहाँ पर भी आपको टू पी। ओ हो पी वाला पार्ट ढूंढ रहे हैं, टू एक्स है पी तो वन ना, यस। एंड डेल एफ बट्टा का डेल जे क्यू 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 टू क्यू, यहाँ पे टू आई, आगे तो कुछ है ही नहीं है, सब जीरो। चलिए अब अपने को जो बात कर लेना है ना यहाँ से, चारपीट द चारपीट ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, देखिए अपना जो चारपीट ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होगा बोलिए तो, डी पी बट्टा में डेल एफ बट्टा में डेल एक्स मान माइनस का टू पी, पी इंटू डेल एफ बट्टा का डेल क्यू सॉरी डेल जेड जीरो, डी क्यू डेल एफ बट्टा का डेल वाई, वाई वाला मान वाई वाला मान माइनस का टू क्यू, प्लस क्यू इंटू डेल एफ बट्टा में डेल जेड जीरो, डी जेड माइनस का पी डेल एफ बट्टा का डेल पी का मान टू पी माइनस टू एक्स, माइनस का क्यू डेल एफ बट्टा का डेल क्यू का मान टू क्यू माइनस का टू वाई, डी जेड के बाद डी एक्स माइनस का डेल एफ बट्टा का डेल पी माइनस का टू पी प्लस का टू एक्स, डी वाई बट्टा में माइनस का माइनस क्या डी क्यू वाला पार्ट ही है, माइनस का टू क्यू प्लस का टू वाई। आपको यहां से क्या करना, टेकिंग टू मेंबर दो मेंबर्स आप उठा लीजिए, डी पी बट्टा का माइनस का टू पी, डी क्यू बट्टा का
माइनस का 2q। आप यहाँ से क्या करिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 2 कैंसिल करके इंटीग्रेट, ये लॉग पी, ये लॉग जेड, लॉग क्यू प्लस का लॉग ए, एक कांस्टेंट अपन ले लिया, ये क्यू है, मतलब पी बराबर का ए क्यू। मैं इसे क्या करूँ, पुटिंग कहाँ, फर्स्ट में पुटिंग करेंगे, गिवेन इन गिवेन इक्वेशन, गिवेन ये क्या लिखा गया, पूरा चिड़चिड़ी पड़ा जाता है, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए, गिवेन गिवेन इक्वेशन, गिवेन इक्वेशन, गिवेन इक्वेशन, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 px माइनस 2 qy। चलिए p की जगह पर ए क्यू डालिए, तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर है तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 aq, पी का मान x 2 qy प्लस 1 बराबर में 0। क्लियर है यहाँ से, मैं तो क्यू वाले को इकट्ठा करूँगा, यहाँ पर से क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1 क्यू स्क्वायर माइनस का 2, दोनों में कॉमन है एक्स वाई, कोई कॉमन ही नहीं है, क्यू कॉमन है भाई, ए एक्स, हाँ क्यू कॉमन था ना, तो ये ए एक्स बचेगा माइनस का ए वाई, ए नहीं है, ए क्यू तो बाहर चला गया, मतलब वाई होगा डायरेक्ट, ए एक्स माइनस का वाई। अगर वाई की बात कर ले तो क्या लिख ले, क्या ही लिख ले, एक कांस्टेंट भी है प्लस 1 बराबर का 0, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म है। चलिए क्यू का वैल्यू चाहिए तो लिख लीजिए माइनस का बी, ये वाला पार्ट में माइनस माइनस प्लस 2 ax माइनस का वाई, ओ माइनस वाई ना, माइनस तो कॉमन ले चुके थे ना, प्लस वाई। चलिए यहाँ पर आपको जो है प्लस माइनस डाल देना है, अंदर रूट बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पर ए स्क्वायर प्लस का 1 इंटू का 1, डिवाइडिंग में जो पार्ट चलेगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का 1, 2a चलता है, हमने यहाँ पर पहुँचा। अब देखिए इसमें 4 है ना, तो आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए, कोई एक वाले को ले लेंगे, पहले तो मैं इसको दोनों का दो दो कॉमन लेके हटा दिया, एक्स प्लस का वाई, नीचे से भी 2 हट गया, इसमें से 4 से 2 बाहर निकलेगा, वो भी कैंसिल, अंदर रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4 a स्क्वायर प्लस का 1, ये ए स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में, ये चीज़ तो ठीक है। मैं एक उठा लेता हूँ टेकिंग या टेक, ये क्या लिखा गया, टेकिंग लिखिए या फिर टेक, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला ले लीजिएगा, तो आप यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ से क्यू बराबर में एक्स प्लस का वाई प्लस में अंदर रूट जा पॉजिटिव वाला ना, माइनस तो गायब है ना, माइनस का गायब, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4 a स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। मैं यहाँ से क्या, डिवाइडिंग भी तो पार्ट है, ए स्क्वायर प्लस का 1। तो चलिए मैं यहाँ से आपको क्या करता हूँ, क्यू का तो वैल्यू निकल चुका है, मैंने जानता हूँ कि पी बराबर में ए क्यू है, तो पी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी बराबर में ए क्यू, क्यू का वैल्यू, ये टोटल पार्ट बड़ा खतरनाक है, नहीं दिक्कत नहीं है, पी बराबर में ए क्यू, इसमें भी गुना होगा, यहाँ पर भी गुना होगा, मतलब एक्स प्लस का वाई, ए अंदर रूट एक्स प्लस का, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन भारी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा जा जा, मैं तो 4 कॉमन ले लिया था ना यहाँ से, ओ माय गॉड, 4 कॉमन लेके काट दिया था, 4 कॉमन लिया था, ये तो 2 बाहर आया, तो ये 4 नहीं रहेगा, मामला गड़बड़ा जाता है कभी कभी। यहाँ पहुँच गया ना, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस का 1, इसकी ये ए लिखा हुआ है, ओके, तो आगे आपको यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है,
अब अपना पी क्यू का मान डालिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डी जेड बराबर में पी डी एक्स और ये क्यू डी वाई। देखिए थोड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं। डी जेड बराबर में पी का वैल्यू ये टोटल पार्ट डी एक्स के साथ। ओ हो, ए एक्स प्लस का वाई, ए अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वन डिवाइडिंग में पार्ट में ए स्क्वायर प्लस का वन इंटू का डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस का वन। ये यहाँ पर क्यू का वैल्यू वही है ना, सेम है, एक्स प्लस का वाई सेम चीज़ है, खाली ए नहीं है। एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वन, वही चीज़ है, सेम है, बट आपको ए नहीं है। ये वाला यहाँ पे ए गुना में था ना, ए नहीं है। तो मैं डी वाई, तो देखिए मैं आपको यहाँ से एक उपाय देता हूँ, ये वाला पार्ट कॉमन ले लीजिए, ए के साथ ये आ जाएगा। इसका ये मतलब आपने कॉमन ले लिया एक्स प्लस का वाई रूट के अंदर में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस का वन डिवाइडिंग में ये ए स्क्वायर प्लस का वन, कॉमन यहाँ पर ए था ना, तो ए डी एक्स के साथ, यहाँ पर आपको वाई डी वाई के साथ, ये आपको डी जेड का वैल्यू। अभी तक आपका गेम नहीं हुआ है, डी जेड के साथ पहले इसको भेजिए। अरे यार इतना बड़का को कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं बोल दूँ एक्स प्लस वाई को एक नाम दे देता हूँ, आप भी दे सकते हो वो नाम, पुट एक्स प्लस वाई बराबर का जेड में तो है टी में ले लेते, ए का वन एक्स का वन मतलब डी एक्स, वाई का डी वाई डी टी, ये भी भैया यहीं पर है, इसके जगह पे डी टी। चलिए 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 चलिए, अरे तो यार तो हम तो इंटीग्रेटन तो कर भी नहीं किए, तो दिक्कत क्या है? ये डी एक्स था ना, डी जेड था ना, अगर इंटीग्रेट की बात कर ले तो ये जेड हो जाएगा, इसमें ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो ये वाला जो है ए स्क्वायर प्लस वन जेड के साथ भेज दे क्या? हाँ ये बेहतर भी होगा, जुट्टो का कांस्टेंट लेकर डांस कुछ थोड़ी करना है। जेड इंटू ए स्क्वायर, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, और नीचे लिखते नहीं तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। जेड ए स्क्वायर प्लस वन बराबर में पुट कर दिए ना इसमें, एक्स प्लस वाई की जगह पे टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग डिवाइडिंग नहीं, और इसके जगह पे डी टी। चलिए अब तो आप करते हैं, यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देते हैं। अगर फार्मूला की बात कर ले तो ये होता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं वो वाला फार्मूला। क्या लिखते हैं ये आपको एक्स बट्टा टू लिखते हैं, ऐसा ही ना, एक्स बट्टा का टू, और ये जो पार्ट होता है उसी को हम लोग वापस से लिख देते हैं, मतलब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बट्टा का टू, और यहाँ पर लॉग ये अंडर रूट मतलब एक्स प्लस का, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको ऐसा करता हूँ थोड़ा सा इधर करके लिख दे, ये नॉर्मल फार्मूला ही तो आप भी जानते हैं क्या। तो चलिए मैं इसमें ही काम कर देता हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे, देखिए ये टी है ना, तो टी का टी स्क्वायर बट्टा टू कर दीजिएगा, प्लस डाल दीजिए, और इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा ये वाला फार्मूला, एक्स बट्टा टू अपना वहाँ पर टी काम कर रहा राइट, और अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का मतलब देखिए ना, ये जो काम करेगा ना, ये रूट के अंदर में, अगर ए स्क्वायर प्लस वन का रूट करेंगे तब ना ये अपना ऐसा ए स्क्वायर की तरह काम करेगा, बिल्कुल ना, मतलब आपको ये ए स्क्वायर का प्लस वन ही हो जाएगा क्योंकि रूट तो वही हो जाएगा ना वापस से। और यहाँ पर जो है माइनस का ए स्क्वायर बट्टा का टू, मतलब ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा का टू लॉग, यहाँ पर आपको होता एक्स मतलब आपको टी प्लस का अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वन, और ये आपको हो तो चुका है ये चीज़, और एक कॉन्स्टेंट लगा दीजिए बी, तो ये आपका क्या हो चुका फाइनली रिजल्टेंट, वेयर आप बोल दीजिए टी बराबर में जो है ये अपना एक्स प्लस का वाई,
ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिए मैं क्या कर दूँ, इसको छोटा सा कर देता हूँ थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए, तो इसी के साथ हमारा क्या हो चुका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि चार पीट इसका लास्ट आता है। तो देखिए आपका क्या करना है, टोटल की तैयारी कर लेना है। और हम क्या कर चुके, सभी में बता चुके, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो हम सभी का क्या कर चुके हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप नहीं देखे तो सभी को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक।